नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बुंदेली भाषा में संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये उपहार देते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। बता दें कि एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से दिल्ली और लखनऊ से बुंदेलखंड सीधे जुड़ जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होते हुए गुजरेगा। पीएम ने कहा कि यूपी नए संकल्पों को लेकर अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। यही सबका साथ है, सबका विकास है, कोई पीछे ना छूटे, सब मिलकर काम करें, इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास का जीवंत प्रमाण है। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र को नई पहचान दिलाकर यहां औद्योगिक निवेश को आमंत्रित करने का नया माध्यम बनेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण से प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बुंदेलखंड के कोने कोने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उमड़े हुए सभी बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जालौन में आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की उस परिकल्पना को साकार करने वाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना घरौनी के जिस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जहां 100% लोगों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उसमें घरौनी उपलब्ध होने के बाद आवासीय समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां दबंगों के द्वारा और अन्य कारणों से एक गरीब को मालिकाना हक नहीं मिल पाता था, वह जिस पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनाता था उस मकान से जुड़े हुए कागजात न होने के कारण आर्थिक विकास के मार्ग को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में जो उसके सामने चुनौती होती थी, आपने उस चुनौती को ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से हरेक गरीब को उसके आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह जालौन ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया है। इसके लिए जालौन वासियों की ओर से भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के जो काम शुरू हुए उनमें बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ ही बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर,
आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ को जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ने का काम करेगा। दिखता है कितनी बड़ी ताकत पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और यही तो सबका साथ है, सबका विकास है। न कोई पीछे छूटे, सब मिलकर आगे बढ़े। इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी के छोटे छोटे जिले हवाई सेवा से जुड़े, इसके लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। बीते कुछ समय में प्रयागराज, गाजियाबाद में नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए गए, कुशीनगर में नए एयरपोर्ट के साथ ही नोएडा के जेवर में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। भविष्य में यूपी के कई और शहरों को वहां भी हवाई रूट से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसी सुविधाओं से पर्यटन उद्योग को भी बहुत बल मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर हैं। इससे पहले ही प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का खाका तैयार किया गया। इसी कड़ी में बिल्होर पंत नगर में रात 11 बजे एक युवक राहुल पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर दूसरे समुदाय के थे। युवक के समर्थन में तमाम लोग सड़कों पर उतर आए, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे माहौल को शांत करवाया। वहीं पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना और मंडलायुक्त राजशेखर घायल युवक को देखने हैलेट अस्पताल पहुंचे। 60 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तनाव को देखते हुए PSC को लगाया गया है और वहाँ इस बारे में SP आउटर ने बताया कि जांच में आरोपी और घायल की कोई रंजिश सामने नहीं आई है। प्राथमिक जांच में तो यही लग रहा है कि इलाके का माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश रची गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में सूखे को लेकर योगी सरकार को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में आ गया है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बारिश ना होने से खरीफ की बुआई रुकी हुई है। सरकार के कथित पौधारोपण अभियान पर भी सूखे का साया मंडराने लगा है, लेकिन भाजपा सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि एक अंदाजा है कि इस वर्ष खरीफ की बुआई 6 लाख हेक्टेयर कम होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने 60 लाख हेक्टेयर धान रोपाई का यह लक्ष्य रखा, जबकि 27 लाख हेक्टेयर धान की ही रोपाई अब तक हो सकी है। प्रदेश में बिजली भी उपलब्ध नहीं है। सिंचाई के लिए न बिजली है न पानी। रजवाहे सूखे हैं। तालाब पोखर में पानी नहीं रह गया है। पशुओं को न पीने का पानी मिल रहा है और न ही चारा भूसा मिल रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मौसम की पूरी जानकारी के बगैर ही 30 करोड़ पौधे लगा दिए। जब बरसात नहीं तो पानी का सूखा पड़ना स्वाभाविक है और अब न पौधे बच रहे हैं और न ही तालाबों में भरा हुआ पानी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की तो भाजपा राज में बहुत उपेक्षा हुई है। भाजपा की कुनीतियों के चलते प्रदेश विकास के हर पायदान पर नीचे फिसलता जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी एक एक वोट को लेकर बेहद चौकन्नी है। पार्टी ने अपने सभी विधायकों के लिए 3 दिन तक लखनऊ में रहने की व्हिप जारी की है। एनडी की राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए वोटिंग से पहले सभी को 16 से 18 जुलाई तक लखनऊ में रहना होगा। दरअसल पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव के लिए
सभी का वोट सही वोट का नारा दिया गया है। सही वोट के लिए सभी विधायकों को मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी विधायकों को शाम 5 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा की तरफ से एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं और राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को वोटिंग होगी। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश की खास अहमियत है क्योंकि यहां के विधायकों और सांसदों के वोट की वैल्यू देश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है जबकि सांसद के वोट की वैल्यू 700 है जो देश में सबसे ज्यादा है और इसलिए बीजेपी ने इस चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी की कोशिश है कि इस चुनाव में उनका एक भी वोट इनवैलिड ना होने पाए क्योंकि इस बार बीजेपी के कई नए विधायक चुनाव जीतकर पहली बार सदन में पहुंचे हैं और इसलिए पार्टी ने अपने विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पार्टी के सभी विधायक 16 जुलाई से लखनऊ में ही कैंप करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर जहां मॉल परिसर में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ FIR कराई गई है वहीं दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन मॉल में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ाने पहुंचे हैं। लखनऊ के मॉल में नमाज पढ़ने के खिलाफ हिंदूवादी संगठन ने कार्यकर्ताओं ने आज यहां पर शनिवार को प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान ही हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हिंदूवादी संगठन के दर्जनों नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल मॉल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।